हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज मैं एक लोकल पार्क विजिट करने जा रहा हूँ गाइस, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये कितना अच्छा नज़र आए गाइस, ये मेरे गांव का पहाड़ है गाइस। तो आज मैं जा रहा हूँ एक पार्क विजिट करने के लिए, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। और मैं सीधे इस जगह पर दिखा रहा हूँ आपको जहाँ पर ये पार्क स्थित है। और इस पार्क का नाम है बारक उद्यान। और इस पार्क का लोकेशन है गाइस सिलचर द्वारबन के आसपास पर ही है। तो गाइस आप बने रहिए हमारे साथ, और हम यहां से एंट्री ले लेंगे सबसे पहले। और यहां का जो एंट्री फीस है 70 रुपीज़ पर पर्सन है, और चिल्ड्रन के लिए 50 रुपीज़ है। लेकिन अभी टिकट में तो 100 दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, हमने 70 रुपीज़ पे किया है गाइस। तो यहाँ से हम एंट्री ले चुके हैं गाइस, और आप देख सकते हैं गाइस ये जो जगह है बिल्कुल लोकल और जंगल के अंदर पे ही है। और यहाँ जो पार्क है अभी बिल्कुल नया है, तो यहाँ पर बाकी जो प्लांटिंग करने के लिए भी शुरू किया है ये लोग, और बढ़िया से मेंटेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ जो नज़ारा है गाइस, आप देख सकते हैं ये सनसेट भी कितना बढ़िया से यहाँ से सनसेट देखने को मिल रहा है। और ये जो तालाब है, ये तालाब भी बहुत ही बड़ा है, शायद इस तालाब पर ही बोटिंग होता है। तो हम सबसे पहले बोटिंग करने के लिए जाएंगे गाइस, तो अगर यहाँ बोटिंग अवेलेबल है तो हम बोटिंग करेंगे। और उसके बाद बोटिंग करने के बाद हम जाएंगे इस पार्क का जितना भी ये जो एरिया है सब घूम के आएंगे, और सब आपको दिखाएंगे गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ बोटिंग करने के लिए जाएंगे, तो इस तरफ हम जा रहे हैं तालाब की इस तरफ। तो यहाँ पर हम एक बंदा मिल गया है जो यहाँ पर बोटिंग करने के लिए टिकट देता है, तो हम यहाँ से टिकट ले लेंगे। और आप देख सकते हैं गाइस ये जो यहाँ पर सीढ़ी है, ये भी कितना बढ़िया से बनाया है, बांस से बनाया गया है। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ हमको 3 बोट देखने को मिल गया है, और हम इस पे बैठ के बोटिंग करेंगे इस तालाब पर। तो गाइस ये जो नज़ारिया कितना अच्छा से मेंटेन करके रखा है ये लोग यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये जो घर की जैसा बनाया गया है। अगर आप यहाँ बोटिंग नहीं करना चाहते, अगर आपका दोस्त बोटिंग करना चाहता है, तो आप उसको यहाँ बैठ के आप उसको वेट कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली मैं तो यहाँ पर बोट पर चढ़ चुका हूँ, और मेरा दोस्त लोग भी चढ़ेगा इस बोट पर, हम 4 लोग बैठेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बोट है बहुत ही बढ़िया है। और इस बोट का खासियत है थोड़ा बहुत ज़्यादा हिलता है, लेकिन वो तो डूबने का चांस नहीं है, क्योंकि ये जो बनाया गया है कितना अच्छा से, मतलब और बहुत ऊंचा से बनाया गया है ये बोट, तो ये डूबेगा नहीं, आप बेफिक्र से चला सकते हैं इस बोट को। आप इस बोट को अपने खुद के पैडल से ही चला सकते हैं, और हम इसको पैडल मार के चलाएंगे और वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक जितना ये तालाब होता है उतना तक हम चलाएंगे। ये बंदा तो बोल रहा था हमको चला लो 1-2 घंटा के लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आज तो ज़्यादा कस्टमर नहीं। तो हमने बोला कोई नहीं यार, हम 10 मिनट के लिए चलाएँगे, उसके बाद उतर जाएंगे, हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो दोस्त लोग, आप अगर आना चाहते हो इस पार्क पर तो आप आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़रिया है और बहुत ही अच्छा एयर कंडीशन है, आप यहाँ पर बहुत बढ़िया फील करेंगे। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और कभी कभार ऐसे पार्क में आना बहुत सुकून मिलता है दिल को, हवा पानी बिल्कुल सब कुछ फ्रेश है, और नज़रिया भी बिल्कुल फ्रेश है। आप शाम को आएंगे तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, शायद अगर हम दिन पे आते हैं तो बहुत करीरी धूप होगा यहाँ पर, तो हमको शाम पर आके बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। आप देख सकते हैं गाइस, ये देखो पानी भी बहुत साफ है, और हम ज़्यादा देर नहीं ठहरेंगे यहाँ पर, सीधा आप लोगों को दिखाएँगे यहाँ पर जो रेस्टोरेंट के पास पर ये जो पेड़ वगैरह नया लगाया गया है,
और जो छोटा मोटा घर जो बना के रखा है यहाँ पर, आप यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं रेस्टोरेंट का। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये देखो ये है रेस्टोरेंट। और हम उस रेस्टोरेंट के पास में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे दोस्त लोग ने बोला है उन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है खाने के लिए, तो हम खाना वाना नहीं खाएंगे क्योंकि मेरे पास भी पैसा नहीं है। तो ऐसे ही घूम के चले जाएंगे हम। और चलो आप लोगों को दिखा देते हैं, वहाँ देखो बहुत दूर है ये, यहाँ पर शायद बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है, वहाँ नहीं जाएंगे हम, बहुत दूर है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ जाएंगे जहाँ फैमिली पार्क है, ये फैमिली पार्क है। और यहाँ पर झूला झूलने के लिए मिलेगा आपको, और बहुत ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारा खेलने के लिए जगह है यहाँ पर। आप लोगों के फैमिली के साथ यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं गाइस, और ये तीन लोग बैठ के यहाँ घूम सकते हैं। इसको घुमा दिया यहाँ पर, मेरे को भी घुमा दिया यहाँ पर, लेकिन मुझे तो चक्कर आ रहा है गाइस। तो हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि शाम भी होने वाला है और हमको थोड़ा जल्दी निकल जाना है यहाँ से। तो गाइस हम आपको दिखा देते हैं नीचे का नज़रिया, हम इस हिल्स के ऊपर पर जा रहे हैं ताकि ऊपर से कैमरा अच्छा से कैप्चर करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखो ये है रेस्टोरेंट का नज़रिया है। तो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे हम यहाँ पर, हमको निकलना पड़ेगा गाइस। तो हम जा रहे हैं, और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन को भी दबा देना ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।